बिसमिल्ल रनिम्स आज हम फ़िश की बहुत ही मज़ेदार बहुत ही हॉट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि है फ़िश पैरी पैरी तो चलें इसे बनाते हैं फ़िश पैरी पैरी के लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया और इसमें तीन टेबल स्पून के बराबर डाला है हमने ऑलिव ऑयल कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं फिर इसमें हमने दो मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके डाल दिया है तो बारीक चॉप करके इसे डाल दें और अब हमें इसे इतना तलना है कि प्याज़ जो है वो हल्की गुलाबी हो जाए बहुत ज़्यादा नहीं तलना दरमियान में हमने इसमें कुछ तेज़ पत्ते डाले हैं और इसके साथ हम प्याज को तल लेंगे जब ये हल्की गुलाबी हो गई तो हमने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि डेढ़ टेबल स्पून लिया इसके साथ जो है भुने प्याज को अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले जिसमें सबसे पहले तो हमने यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ है ये मिर्चों का पेस्ट तो बहुत ही हॉट पेस्ट है ये इसमें हमने चार आ, साबुत मिर्च को लिया लाल मिर्च को और दो साबुत देगी मिर्च ली हैं उनको पीसा है सिरके के साथ तीन टेबल स्पून सिरके के साथ पहले से भिगो दिया था हमने और फिर से पीस लिया है ये हमने इसमें डाल दिया मिर्चें अगर आप ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं तो आप मिर्चों की मेदार को बढ़ा सकते हैं साबुत लाल मिर्च की मकदार को आप बढ़ा लें या हम इसे डाल के थोड़ा भून लेंगे अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट जो कि हमने दो टेबल स्पून के बराबर लिया थोड़ा इसे भूने बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है तो झटपट या आपकी मछली जो है तैयार हो जाती है इस तरीके से थोड़ा इसे भुना हमने अब में डाला है नमक नमक हसबे ऐ लें इसे डालें और फिर इसके साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें ये हमने एक किलो मछली ली इसमें अब हम डाल देंगे एक एक करके एक के ऊपर एक नहीं डालें बल्कि एक एक करके इसकी तह पे बिछा दें क्योंकि हमें इस मछली को इसमें पकाना है इस मसाले में तो एक तरफ से हम इसे पाँच मिनट के लिए पकएँगे फ्लेम को हमने मीडियम से थोड़ा सा लो रखा हुआ है फ्लेम को लो नहीं रखना है से पा फिश का पानी निकलेगा तो फ्लेम को जो है हमें मीडियम पे रखना है हल्का सा मीडियम से नीचे रख कर लें फ्लेम को ताकि हमारी फ़िश नीचे से जले भी नहीं और अच्छी तरह पक जाए पाँच मिनट तक हमें इसी तरह ढकना ढके बगैर इसे पकाना है और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे हम मछली जो है बहुत जल्दी गल जाती है थोड़ा हमने इसमें पानी ऐड कर लिया पानी अगर आपको डालना पड़े तो इसमें आप गर्म पानी डालें अब हम इसे इतना पकाएंगे कि दूसरी तरफ से भी फिश अच्छी तरह पक जाए और अच्छी तरह गल जाए इसमें डाला हमने केचप ये दो टेबल स्पून लिया डाला अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर लें चमचा चलाएं कि हमारी मछली टूटे नहीं तो आराम से हमने इसे चला लिया हमारी जो मछली है वो अच्छी तरह गल चुकी है तो अब चमचा चलाते हुए एहतियात करें आराम आराम से एहतियात के साथ चमचा चलाएं यहाँ हमने चमचा एहतियात के साथ चला लिया है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पैन को दोनों हैंडल से पकड़ के हल्का सा हिला लें इससे भी जो है आपका मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और फिश टूटेगी नहीं अब हमें कुछ चीज़ें डालनी हैं जिसमें सबसे पहले तो हम एक लेमन लेंगे उसका छिलका अलग कर लेंगे और ये बारीक काट के इसके ऊपर हमने डाल दिया है और उसी लेमन को हम इसके ऊपर निचोड़ देंगे उसके रस को तो एक लेमन का जूस भी हमने इसमें डाला अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और अब हमें इसमें औरिगानो डालना है औरिगानो लें एक टी स्पून इसके ऊपर छिड़क दें तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें अब हम इसे पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर ढकना ढक धक कर और ढकना ढक धक के हम इसे पकाएंगे पाँच मिनट तो पाँच मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको छोड़ दें पाँच मिनट के बाद यहाँ हमारा जो फिश पैरी पैरी है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है इसे आप सर्व करने से पहले गार्निश करें हरी प्याज से हरी प्याज को जो है वो आप बारीक काट के इसके ऊपर छिड़क दें तो जनाब ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी पेरी पेरी फ़िश जो है वो हमारी तैयार है बहुत ही हॉट बहुत ही मज़ेदार है इसका जायका और इसे आप एक दफ़ा खाएंगे तो बस आपको मछली खाने का मज़ा आ जाएगा इतनी अच्छी बनती है ये तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से फ़िश पेरी पेरी की रेसिपी को और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें वीडियो यकीन आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक भी कर लें दुआओं में हमेशा याद रखें इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़